जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल बिहार टीवी पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हूं जहां। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के रोकथाम के लिए की जा रही खर्च राशि में बंदरबाट और घोटाले के विरोध में रालोसपा के कार्यकर्ताओं ने दीपनगर में बिहार के ग्रामीण विकास व सांसदीय मंत्री श्रावण कुमार का ढोल नगाड़े के साथ अर्थी जुलूस निकाल कर प्रदर्शन किया। जैसे ही अर्थी जुलूस कारगिल चौक से नूरसराय प्रखंड के लिए निकला, वैसे ही पूर्व से तैनात दीपनगर के थाना अध्यक्ष शेर सिंह यादव ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेते हुए थाना लेकर चले आए। नेताओं ने बताया कि कोरोना जैसी वैश्विक आपदा के समय जिले में भारी घोटाला हो रहा है। मुखिया द्वारा मास्क और साबुन के बांटने के नाम पर लूट मची हुई है। क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासियों को दी जाने वाली सुविधाओं के नाम पर रुपये का बंदरबाट किया जा रहा है, जिसमें सभी अधिकारी पदाधिकारी और मंत्री मिले हुए हैं। इन्हीं घोटालों के खिलाफ आज बिहार शरीफ से नूरसराय तक अर्थी जुलूस निकाला गया था, मगर दमनकारी सरकार के अधिकारियों ने हम लोगों को बीच रास्ते में ही रोक कर विपक्षों की आवाज को दबाने का काम किया है। निकाला गया है आज यहाँ। आज मजदूर जो है भूख के कारण हर जगह क्वारंटाइन सेंटर पर पुलिस पर हमला कर रहा है, उसे कर्मचारियों पर हमला कर रहा है, इसीलिए कि भोजन नहीं मिल रहा है। अब भोजन के नाम पर बिहार सरकार अरबों नहीं खरबों रुपया डकार रहे हैं। मास्क के नाम पर, सैनिटाइजर के नाम पर, चावल के नाम पर सारे जगह बिहार सरकार फेल है। उसी के विरोध में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी द्वारा उपेंद्र कुशवाहा जी का वाहन पर श्रवण कुमार जी का अर्थी जुलूस निकाल करे एक विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं कि गरीबों का दिया गया खाद्यान्न और दिया गया सारा सुख जो सामान है उस सारा का बिहार सरकार ने डकर दिया। इसके विरोध में हम लोग अर्थी जुलूस निकाल रहे हैं। कहां से कहां जा रहे हैं आप लोग? चौरा बगीचा से लेकर नूरसराय प्रखंड, जो श्रवण कुमार जी का गृह क्षेत्र है। मतलब कितने किलोमीटर पड़ जाते पैदल यात्रा कर रहे हैं आप? यहाँ से 18 किलोमीटर है। मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? मांग हमारा यही है कि क्वारंटाइन सेंटर में हुई घोटाला में तमाम वीडियो को बर्खास्त करो, नूरसराय वीडियो को बर्खास्त करो और बिहार सरकार के श्रवण कुमार मंत्री को भी बर्खास्त किया जाए, क्योंकि अभी अभी फेल हो गए अपने सारे कार्य फेल साबित हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? इसी प्रकार की आने वाली हर छोटी बड़ी ताजा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।